दोस्तों अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। देखिए अगर हम बात करें एमए इकोनॉमिक्स में तो एमए इकोनॉमिक्स को हम एमईसी बोलते हैं। तो आपके पास में फर्स्ट ईयर में 5 पेपर हैं जिसमें से पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एमईसी 101 है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपका एमईसी 002, इसके अलावा आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक एग्जाम पेपर होगा, इसके अलावा आपके पास मैथ्स एंड स्टैटिक्स का एक पेपर है और आपके पास एक इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं ये हम आप बच्चों को तैयार करा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप ये पूरा का पूरा वीडियो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या आपको उसके अंदर मिलेगा, हम डिटेल में आप बच्चों को पूरी की पूरी बात बताएंगे। तो देखिए हमने हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, आप वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको वेबसाइट है हमारी vishnuiconomicsschool.in, उसके माध्यम से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के माध्यम से आपको एक्सेस करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा जब आप एज ए स्टूडेंट लॉग इन कर लोगे। तो देखिए सबसे ऊपर ही हमने ये सबसे पहला कोर्स रखा हुआ है, हालांकि नंबर बदल सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा इग्नू काल के इंदिरा गांधी नेशनल ओपन ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पे, जितने भी कोर्स हमने बनाए हुए वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों अभी हम इस वीडियो में आपको इस वाले कोर्स की बात कर रहे हैं जो कि हमारा है इग्नू एमईसी एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का। इसके अंदर टोटल 5 पेपर को हमने इंक्लूड किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी। तो ये पूरा का पूरा कोर्स किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, सबसे पहले तो बच्चों हम बात कर देते हैं कि अगर आप इस कोर्स को बाय करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसके अंदर हम कंटेंट में चलते हैं और कंटेंट में हम एक बार देखते हैं कंटेंट के अंदर आपको क्या क्या अवेलेबल है। देखिए जिस तरीके से आपका सिलेबस है, हालांकि इसमें अभी हमने इंडियन इकोनॉमी डाला नहीं है लेकिन वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स है एंड इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसके अलावा एमईसी भी हम इसमें 105 भी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, यानी कि ये आपके फर्स्ट ईयर के सारे कोर्सेज को कवर करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एमईसी 101 की, तो जब आप एमईसी 101 में आते हो तो उसी तरीके से आपको ब्लॉक मिलेंगे, जिस तरीके से आपके ब्लॉक्स जो हैं वो एग्जाम में आपकी बुक्स में दिए हुए हैं उसी तरीके से हमने पूरा का पूरा सेट करने की कोशिश की है, यानी कि ब्लॉक के अंदर उसी तरीके से यूनिट डिवाइड की है जिस तरीके से आपके ब्लॉक उसमें मिला होगा। हालांकि बच्चों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि पूरी तरीके से हमने आपकी बुक को यूज़ नहीं किया है जो इग्नू द्वारा पब्लिश की गई है। इसके अलावा जो एमए लेवल पे रिकमेंडेड बुक हैं, जैसे एच एल आहूजा सर की बुक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ की है, इसी तरीके से डिफरेंट कोर्सेज के लिए हमने डिफरेंट बुक यूज़ किया, लेकिन अगर आप समराइज़ करोगे तो सारा कंटेंट वही होता है। हालांकि बताने का तरीका हर बुक का अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप कंक्लूजन निकालोगे तो वही अप्रोच हम यूज़ करते हैं जिस अप्रोच को आपके लिए स्टैंडर्ड है, यानी कि यही वीडियो आप यूजीसी नेट में भी आपके काम आएंगी। यानी कि अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो एम इकोनॉमिक्स की तो आपका यूजीसी नेट में सारा का सारा जो आपका सिलेबस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और यूजीसी नेट का एग्जाम, इवन आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी आपको ये सारी की सारी वीडियो काफी कुछ हेल्प करने वाली है। तो इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ फ्री कंटेंट भी डाला हुआ है, डेमो वीडियो, आप डेमो वीडियो भी देख सकते हो, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डाला है। इसके अलावा हम और भी उसमें हम जो भी फ्री कंटेंट होगा वो हम अवेलेबल करा देंगे, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स 7 कंटेंट है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 7 वीडियो से आपको बहुत आइडिया नहीं होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप पे पहली बार आया है और आपको अगर लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें मिलने वाला क्या है, तो मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी इसमें भी ये देने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेपर है मैं सबसे पहले बात करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये मैंने बनाया हुआ है, और एक सर है हरकेश सर, इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। हमने कंबाइन करके ये कोर्स बनाया है। तो हरकेश सर का भी चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हरकेश सर का चैनल है, आप HK इकोनॉमिक्स क्लासेस नाम से है, आप यहाँ पे जाके इनकी वीडियो को सर्च कर सकते हो, आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा सर के बारे में भी कि किस तरीके से सर क्लासेस अपना पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली वीडियो मैंने ही बनाई हुई है, लेकिन कई जगह मैथमेटिकल टर्मोलॉजी यूज़ होती है, कई जगह इक्वेशन यूज़ होता है, तो सर जो है वो ज़्यादा एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, और एक्सपर्टीज़ की सर्विसेज लेने के लिए सर का जो इक्वेशन बनाने का तरीका है वो हमने यूज़ किया हुआ है।
क्योंकि बच्चों मैं एक्चुअली यूपीएससी वाला जो सिलेबस है उसको बनाने में ज़्यादा बिजी हूँ, यानी कि यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस, इस तरीके के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो पेपर आता है उसको मैं ज़्यादा तरीके से फोकस कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो इग्नो का जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो हरकेश सर बना रहे हैं। इसमें से हरकेश सर ने क्या क्या बनाया मैं आपको बता देता हूँ। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बना रहे हैं, हालांकि अगर मैं बात करूँ तो 80% जो कोर्स है वो कंटेंट मेरा ही है और 20% ही हर सर का होगा। और कई वीडियो तो ऐसी भी हैं जो मैंने और सर दोनों ने बनाई हुई है, अपने अच्छी तरीके से इसको अरेंज किया हुआ है। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हमारा पूरा नहीं है, हम धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी कुछ डेवलप है, धीरे धीरे ये कोर्स डेवलप कर रहे हैं। तो कोर्स जो हमारा एग्जाम डेवलप होगा वो पूरा का पूरा मई तक एग्जाम डेवलप होगा, यानी कि आप कंटेंट जो है वो धीरे धीरे इसमें ऐड होते रहेंगे। मई तक हम उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा जो कोर्स है वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसी तरीके से क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसको सुनिधि मैडम पढ़ाती है। ये देखिए सुनिधि मैडम का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप जाके इसको विजिट कर सकते हो, सुनिधि इकोनॉमिक्स क्लासेस का। तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा किस तरीके से मैडम पढ़ाती है। लेकिन आप अगर इस कोर्स को बाय करोगे तो सब कुछ सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगा। इसके अलावा सब टीचरों का नंबर आपके पास होगा, ताकि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट उनको अप्रोच कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो इस तरीके से तीन चैनल है हमारे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल है, एच के इकोनॉमिक्स क्लासेस है और सुनिधि इकोनॉमिक्स क्लासेस है। तीनों हमारा कोलैबोरेशन है, तीनों ही हमारे मतलब एक तरीके से हम तीनों मिलकर एक ही ऐप के माध्यम से सारा का सारा कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और ऐप है हमारी विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो ये हमारी ऐप है बच्चों, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसी ऐप के माध्यम से आपको पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट प्रोवाइड होगा। देखिए बच्चों आपको क्लियर कर लीजिए, हम इकोनॉमिक्स के अभी नोट्स प्रोवाइड नहीं करा रहे, यानी कि आपको वीडियो के देख के अपने आप ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि एमए लेवल पे कोई भी नोट्स नहीं होते, आपकी जो बुक्स है आप उनसे पढ़िए, जो कंसेप्ट है वो समझिए और उसको अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। तो अभी तो बच्चों यही है, अभी हमने ये वीडियो है वो सारी की सारी बायलैंग्वल है। और अगर हम ओवरव्यू की बात करें कि आपको कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो देखिए नंबर ऑफ वीडियो तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ वीडियो तो लगातार इसमें बढ़ने वाली है, ये तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर की है, इसका मतलब अगर आप एक बार कोर्स को बाय करते हो तो ये कोर्स आपके साथ 1 साल तक रहेगा। हालांकि हो सकता है आपके एग्जाम 6 महीने के हों, 4 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, लेकिन हम मंथली चार्ज नहीं करते, हम पूरा कोर्स कंटेंट का चार्ज करते हैं। इसलिए ये जो है लिमिट है, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, यानी कि आप मैक्सिमम 1 ईयर तक देख सकते हो। पर अगर आपके एग्जाम 3 महीने बाद ही हैं तो आपको 3 महीने के अंदर ये सारा का सारा कोर्स कवर करना होगा। तो इसकी जो हमने फीस रखी है बच्चों, 6,000 रुपये फीस रखी हुई है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो इंडिविजुअल कोर्स को ज्वाइन करना, तो आप इंडिविजुअल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, आपको यहां पे जाना है, स्टोर के ऊपर जाना है, स्टोर के ऊपर जाके आपको लिखना है इग्नो। तो इग्नो से रिलेटेड जितने भी कोर्स हमारे पास हैं वो सब आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। हालांकि हम और भी कोर्सेज को जो है वो ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, और ये कोर्स कंटेंट हमारे पास जो है इग्नो से रिलेटेड और भी कोर्स हम बना रहे हैं। तो इग्नो में हम बेसिकली क्या क्या कवर कर रहे हैं बच्चों, हम वो भी बता देते हैं आपको। एक तो बीए जनरल कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसका हम कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा, उसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा एमए इकोनॉमिक्स को हम कवर करेंगे। तो ये 3 कोर्सेज हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं पूरी तरीके से, यानी कि इनसे रिलेटेड आपके जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आप बीए ऑनर्स में हो, चाहे आप एमए इकोनॉमिक्स में हो, चाहे आप बीए जनरल में हो, अगर आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको सारे के सारे जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, अब मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 3 टीचर मिलकर बना रहे हैं। मेरा जो काम है, मेरा बेसिकली मैं भी बनाऊंगा, इसके अलावा हरकेश सर बना रहे हैं और सुनिधि मैडम पढ़ा रही है। अगर आपको मान लीजिए इनसे रिलेटेड कोई मतलब आपको इनकी वीडियो वगैरह देखनी है या इनके किस तरीके का ये पढ़ाती है, तो आप इनके चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। लेकिन हमारी ऐप एक ही है और एक ही ऐप के माध्यम से हम तीनों के तीनों आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा ऐप है वो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड तमाम तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एटलीस्ट ये जानकारी हो गई होगी कि क्या पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनके बारे में भी डिटेल देता रहूँगा और जानकारी के बारे में बताता रहूँगा। तो आप हमारी ऐप पे जरूर विजिट करें और देखें, आपको जरूरत हो, आपको लगता है कि कंटेंट आपके के काबिल है तो आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे दिए हुए नंबर से आप मुझसे बात कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत ही ईमानदारी से मैं कोशिश कर रहा हूं कि एमए इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए एक अच्छा कोर्स कंटेंट तैयार हो और जो उनकी हेल्प करे। अगर फर्स्ट ईयर के बाद हम सेकंड ईयर पे भी काम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम फर्स्ट ईयर का ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।